हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी के कुछ एग्जाम टारगेटेड क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो स्टार्ट करते हैं। नंबर ऑफ फार्मासिस्ट रिक्वायर्ड इन हॉस्पिटल अप टू 200 बेड्स, 5, 8, 10 और 15। तो अप टू 50 बेड्स के लिए कितने फार्मासिस्ट रिक्वायरमेंट होती है? तो 3 फार्मासिस्ट, अप टू 100 बेड्स 5 फार्मासिस्ट, 200, 8 फार्मासिस्ट, देन अप टू 300 बेड्स 10 फार्मासिस्ट एंड अप टू 500 बेड्स 15 फार्मासिस्ट। क्या पूछा है क्वेश्चन में? 200 बेड्स कितने होंगे? 8 फार्मासिस्ट। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। ये 5 होते हैं अप टू 100 बेड्स के लिए, 10 होते हैं अप टू 300 बेड्स, 15 अप टू 500 बेड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुड फार्मेसी प्रैक्टिस ऑर्गेनाइजेस द मेजर रोल्स फॉर फार्मासिस्ट, प्रिपेयर, ऑप्टेन, स्टोर, सिक्योर, डिस्ट्रीब्यूट, एडमिनिस्ट्रेटर, डिस्पेंस एंड डिस्पोज ऑफ मेडिकल प्रोडक्ट्स, प्रोवाइड इफेक्टिव मेडिकेशन थेरेपी मैनेजमेंट, मेंटेन एंड इम्प्रूव प्रोफेशनल परफॉर्मेंस। ऑल ऑफ दीज। गुड फार्मेसी प्रैक्टिस ऑर्गेनाइजेस द मेजर रोल्स फॉर फार्मासिस्ट। तो क्या होते हैं मेजर रोल्स फॉर फार्मासिस्ट? तो मेंटेन एंड इम्प्रूव प्रोफेशनल परफॉर्मेंस ये होता है, प्रोवाइड इफेक्टिव मेडिकेशन ये भी होता है, देन प्रिपेयर, ऑप्टेन, स्टोर, सिक्योर, डिस्ट्रीब्यूट, एडमिनिस्ट्रेटर, डिस्पेंस एंड डिस्पोज ऑफ मेडिकल प्रोडक्ट्स ये भी होता है। ये सभी होते हैं मेजर रोल्स फॉर फार्मासिस्ट, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट इज, मॉनिटर द प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट, मॉनिटर द टैक्स ऑन प्रोडक्ट, डिस्ट्रीब्यूशन एंड शिपमेंट ऑफ प्रोडक्ट्स बोथ ए एंड सी। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या होता है? सप्लाई चेन मैनेजमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव तो होता क्या है सप्लाई चेन मैनेजमेंट? तो ये होता है द मैनेजमेंट ऑफ फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सप्लाई चेन मैनेजमेंट इज द मैनेजमेंट ऑफ फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सो डिस्ट्रीब्यूशन एंड शिपमेंट ऑफ प्रोडक्ट्स ये हो जाएगा, एंड मॉनिटर द प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट ये भी हो जाएगा। सो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, बोथ ए एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज नॉट ए टाइप ऑफ फ्लोर स्टॉक सिस्टम, चार्ज फ्लोर स्टॉक सिस्टम, अनचार्ज फ्लोर स्टॉक सिस्टम, एक्सेस फ्लोर स्टॉक सिस्टम, नन ऑफ द अबव। नॉट ए टाइप ऑफ फ्लोर स्टॉक सिस्टम, तो फ्लोर स्टॉक सिस्टम के दो टाइप्स आते हैं, एक होता है चार्ज फ्लोर स्टॉक सिस्टम एंड दूसरा होता है अनचार्ज फ्लोर स्टॉक सिस्टम। यह एक्सेस नहीं आएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। एक्सेस फ्लोर स्टॉक सिस्टम इज नॉट ए टाइप ऑफ फ्लोर स्टॉक सिस्टम। फ्लोर स्टॉक सिस्टम डिस्ट्रीब्यूशन में दो ही आते हैं, चार्ज एंड अनचार्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेट्स थ्रू स्मॉल सैटेलाइट फार्मेसीज लोकेटेड ऑन ईच फ्लोर ऑफ द हॉस्पिटल इज कॉल्ड एज, सेंट्रलाइज्ड यूनिट डोज डिस्पेंसिंग, डिसेंट्रलाइज्ड यूनिट डोज डिस्पेंसिंग, चार्ज फ्लोर स्टॉक सिस्टम, नन ऑफ द अबव। ऑपरेट्स थ्रू स्मॉल सैटेलाइट फार्मेसीज लोकेटेड ऑन ईच फ्लोर ऑफ द हॉस्पिटल इज कॉल्ड एज। तो ये होती है डिसेंट्रलाइज्ड यूनिट डोज डिस्पेंसिंग, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। डिसेंट्रलाइज्ड यूनिट डोज डिस्पेंसिंग ऑपरेट्स थ्रू स्मॉल सैटेलाइट फार्मेसीज लोकेटेड ऑन ईच फ्लोर ऑफ द हॉस्पिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉस्पिटल फार्मेसी शुड बी प्रेफरेबली लोकेटेड इन टॉप फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर, आउटसाइड द हॉस्पिटल, नन ऑफ द अबव। हॉस्पिटल फार्मेसी शुड बी प्रेफरेबली लोकेटेड इन, कहाँ पे होना चाहिए हॉस्पिटल फार्मेसी? तो ग्राउंड फ्लोर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम फॉल्स इनटू कैटेगरीज, वार्ड कंट्रोल सिस्टम, फार्मेसी कंट्रोल्ड इंप्रेस्ड वेस्ट सिस्टम, फार्मेसी कंट्रोल्ड पेशेंट इशू सिस्टम, ऑल ऑफ दीज। ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम फॉल्स इनटू कैटेगरीज, किसमें आता है ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम? तो ये वार्ड कंट्रोल सिस्टम में आता है, देन फार्मेसी कंट्रोल इंप्रेस्ड वेस्ट सिस्टम में भी आएगा, एंड फार्मेसी कंट्रोल्ड पेशेंट इशू सिस्टम में भी आता है, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फार्मेसी एंड थेरेप्यूटिक कमिटी इंक्लूड फिजिशियन, फार्मासिस्ट, स्टाफ नर्स, ऑल ऑफ दीज। क्या होता है पीटीसी में, फार्मेसी एंड थेरेप्यूटिक कमिटी में? तो इसमें फिजिशियन होता है, जो क्या होता है तो ये चेयरमैन होता है ना, देन फार्मासिस्ट ये क्या होता है सेक्रेटरी होता है, एंड जो नर्सिंग स्टाफ रिप्रेजेंटेटिव होता है ये होता है जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ पीटीसी। तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा ऑप्शन डी। देन रोल क्या होता है पीटीसी का? तो पीटीसी प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ड्रग सेफ्टी इन हॉस्पिटल, ड्रग सेफ्टी इन हॉस्पिटल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंबर्स इन्वॉल्व्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ हॉस्पिटल ड्रग फॉर्मुलरी आर, ए रिप्रेजेंटेटिव क्लिनिशियन फ्रॉम ए मेजर स्पेशलिटी, ए क्लिनिकल फार्माकोलॉजिस्ट, ए फार्मासिस्ट, ऑल ऑफ दीज। मेंबर्स इन्वॉल्व्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ हॉस्पिटल ड्रग फॉर्मुलरी,
तो हॉस्पिटल ड्रग फॉर्मूलरी में फार्मासिस्ट होता है, क्लिनिकल फार्माकोलॉजिस्ट भी होता है एंड ए रिप्रेजेंटेटिव क्लिनिशियन फ्रॉम द मेजर स्पेशलिटी ये भी होता है। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑटोमेटेड ड्रग डिस्पेंसिंग सिस्टम इज ऑल्सो कॉल्ड यूनिट बेस्ड कैबिनेट्स, ऑटोमेटेड डिस्पेंसिंग डिवाइसेस, ऑटोमेटेड डिस्ट्रीब्यूशन कैबिनेट्स, ऑल ऑफ दीज। ऑटोमेटेड ड्रग डिस्पेंसिंग सिस्टम इज ऑल्सो कॉल्ड, तो ऑटोमेटेड ड्रग डिस्पेंसिंग सिस्टम को यूनिट बेस्ड कैबिनेट्स भी बोला जाता है, देन ऑटोमेटेड डिस्पेंसिंग डिवाइसेस भी बोला जाता है एंड ऑटोमेटेड डिस्ट्रीब्यूशन कैबिनेट्स भी बोला जाता है। ये सब होते हैं ऑटोमेटेड ड्रग डिस्पेंसिंग सिस्टम। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पीटीसी फार्मेसी एंड थेरेप्यूटिक कमेटी के टू मेन ऑब्जेक्टिव्स, ऑर्डर एंड स्टॉक, मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्पेंसिंग, एडवाइजरी एंड एजुकेशन, बोथ ए एंड बी, टू मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पीटीसी। तो पीटीसी के टोटल थ्री ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, एक होता है एडवाइजरी, देन नेक्स्ट होता है एजुकेशन, देन तीसरा होता है ड्रग सेफ्टी एंड एडवर्स ड्रग मॉनिटरिंग। ये तीन होते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पीटीसी। क्या दिया है ऑप्शंस में, तो ऑर्डर एंड स्टॉक ये नहीं होता है, मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्पेंसिंग ये भी नहीं होगा, एडवाइजरी एंड एजुकेशन ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द फंक्शन ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी, सिलेक्शन ऑफ रिलायबल सप्लायर्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेडिकामेंट्स इन द वार्ड्स, मेंटेनेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड्स, ऑल ऑफ दीज। फंक्शन ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी, तो ये सभी आते हैं ना हॉस्पिटल फार्मेसी के फंक्शंस में। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, सिलेक्शन ऑफ रिलायबल सप्लायर्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेडिकामेंट्स इन द वार्ड्स एंड मेंटेनेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड्स, ये सब होते हैं फंक्शंस ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु प्लेज ए वाइटल रोल इन ड्रग सेफ्टी इन हॉस्पिटल, जीएमपी, एडीआर कमेटी, पीटीसी, हॉस्पिटल फॉर्मूलरी। तो पीटीसी का मेन फंक्शन होता है ना ड्रग सेफ्टी इन हॉस्पिटल, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, फार्मेसी एंड थेरेप्यूटिक कमेटी। ये डेवलप करती है गाइडलाइंस रिगार्डिंग ड्रग सिलेक्शन, प्रोक्योरमेंट, देन स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूज ऑफ ड्रग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ फार्मेसी टेक्नीशियन में इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, प्रिपेयरिंग मेडिकेशन ऑर्डर्स, कंडक्शन यूनिट इंस्पेक्शंस, एडमिनिस्टरिंग मेडिकेशंस टू पेशेंट्स, मॉनिटरिंग पेशेंट्स ड्रग थेरेपी। मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ फार्मेसी टेक्नीशियन में इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट पूछा है, इनमें से कौन सा फार्मेसी टेक्नीशियन के रिस्पॉन्सिबिलिटी में नहीं आता। तो एडमिनिस्टरिंग मेडिकेशंस टू पेशेंट्स ये किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, तो ये नर्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है ना, तो ये फार्मासिस्ट के रिस्पॉन्सिबिलिटी में नहीं आएगा, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन यूनिट डोज सिस्टम CUDD स्टैंड फॉर, क्या होता है CUDD, सेंट्रलाइज्ड यूनिट डोज ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, डिसेंट्रलाइज्ड यूनिट डोज ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, सेंट्रलाइज्ड यूनिफॉर्म डोज ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, सेंट्रलाइज्ड यूनिवर्सल डोज ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, CUDD। तो ये सेंट्रलाइज्ड यूनिट डोज ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है ना, सेंट्रलाइज्ड यूनिट डोज ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कौन से ऑप्शन में है, तो सेंट्रलाइज्ड यूनिट डोज ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। डिस्पेंसिंग यूनिट डोसेस के दो मेथड्स होते हैं ना, एक होता है सेंट्रलाइज्ड यूनिट डोज ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एंड दूसरा होता है डिसेंट्रलाइज्ड यूनिट डोज ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, CUDD एंड DUDD। नेक्स्ट क्वेश्चन, DIS is to provide information on drugs and health aspects to improve patient compliance using suitable techniques and methods for educating and counseling the patient, all of these। क्या होता है DIS? ये DIS होता है Drug Information Services एंड ये प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन ऑन ड्रग्स एंड हेल्थ एस्पेक्ट्स, देन ये इम्प्रूव कराता है पेशेंट कॉम्प्लायंस, देन एजुकेटिंग एंड काउंसलिंग पेशेंट, ये भी करता है DIS, ड्रग इंफॉर्मेशन सर्विसेज। सो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सप्लाई चेन मैनेजमेंट कंप्राइजेस मूवमेंट ऑफ रॉ मटेरियल्स, स्टोरेज ऑफ रॉ मटेरियल्स, इन्वेंटरी ऑफ फुली फर्निश्ड गुड्स, ऑल ऑफ दीज। सप्लाई चेन मैनेजमेंट कंप्राइजेस, क्या आएगा इनमें से सप्लाई चेन मैनेजमेंट में, तो हमने देखा था ना सप्लाई चेन मैनेजमेंट इज द मैनेजमेंट ऑफ द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज।
सो इसमें मूवमेंट ऑफ रॉ मटेरियल्स आएगा, स्टोरेज ऑफ रॉ मटेरियल्स भी आएगा, इन्वेंटरी ऑफ फुली फर्निश्ड गुड्स ये भी आएगा, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉम्पोनेंट ऑफ टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन? अमाइनो एसिड्स, फैट्स, विटामिन्स, फाइबर। नॉट ए कॉम्पोनेंट ऑफ टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन, TPN के कॉम्पोनेंट्स में क्या नहीं आएगा? तो TPN में विटामिन्स आते हैं, अमाइनो एसिड्स आते हैं, फैट्स आते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स आते हैं, देन इलेक्ट्रोलाइट्स आते हैं, मिनरल्स आते हैं, डेक्स्ट्रोज आता है, ये सब होते हैं TPN मिक्सचर में। क्या नहीं आएगा TPN मिक्सचर में? तो अमाइनो एसिड्स आते हैं, फैट्स आते हैं, विटामिन्स भी आते हैं, फाइबर नहीं होता इसमें। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। फाइबर इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ TPN, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंबर इंक्लूडेड इन इन्फेक्शन कंट्रोल कमिटी एक्सेप्ट ए चीफ इन्फेक्शन कंट्रोल टीम, ए चेयरपर्सन, हॉस्पिटल डायरेक्टर, बोथ ए एंड बी, फार्मासिस्ट। मेंबर इंक्लूडेड इन इन्फेक्शन कंट्रोल कमिटी एक्सेप्ट, इनमें से कौन इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी का मेंबर नहीं है? तो इसमें चीफ इन्फेक्शन कंट्रोल टीम आती है, चेयरपर्सन, हॉस्पिटल डायरेक्टर भी आता है, इसमें फार्मासिस्ट आएगा क्या? तो इसमें फार्मासिस्ट नहीं आता, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। फार्मासिस्ट इज नॉट ए मेंबर ऑफ इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी, एक्सेप्ट पूछा गया है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हॉस्पिटल फॉर्मुलरी सिस्टम गिव्स द गाइडलाइन फॉर प्रोक्योरिंग, प्रिस्क्राइबिंग, डिस्पेंसिंग, एडमिनिस्ट्रिंग ऑफ ड्रग, ऑल ऑफ दीज। द हॉस्पिटल फॉर्मुलरी सिस्टम गिव्स द गाइडलाइन फॉर, किसके बारे में गाइडलाइन देता है हॉस्पिटल फॉर्मुलरी? तो ये गाइडलाइन देता है फॉर प्रोक्योरिंग, प्रिस्क्राइबिंग एंड डिस्पेंसिंग एंड एडमिनिस्ट्रिंग ऑफ ड्रग, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम्बुलेटरी पेशेंट्स आर रिक्वायर्ड टू एडमिट इन वार्ड फॉर ट्रीटमेंट, रिक्वायर टू गो होम आफ्टर टेकिंग ट्रीटमेंट इन OPD, रिक्वायर इमरजेंसी ट्रीटमेंट, नन ऑफ द अबव। किसे बोला जाता है एम्बुलेटरी पेशेंट्स? तो ये आउट पेशेंट्स होते हैं ना, एम्बुलेटरी पेशेंट्स आर आउट पेशेंट्स, रिक्वायर टू गो होम आफ्टर टेकिंग ट्रीटमेंट इन OPD। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन पेशेंट सर्विसेज डिवीजन डज फॉलोइंग वर्क, प्रोवाइड मेडिकेशन फॉर ऑल इन पेशेंट्स ऑफ द हॉस्पिटल ऑन 24 आवर पर डे बेसिस, इंस्पेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ ड्रग्स ऑन द ऑल ट्रीटमेंट एरियाज, कोऑपरेट विथ मेडिकल ड्रग रिसर्च, ऑल ऑफ दीज। इन पेशेंट सर्विसेज डिवीजन डज फॉलोइंग वर्क, क्या होता है इन पेशेंट सर्विसेज डिवीजन का वर्क? तो ये मेडिकेशन प्रोवाइड कराता है फॉर ऑल इन पेशेंट्स फॉर ए हॉस्पिटल ऑन 24 आवर पर डे बेसिस, देन इंस्पेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ ड्रग्स ऑन ऑल ट्रीटमेंट एरियाज, ये भी काम होता है इन पेशेंट सर्विसेज डिवीजन का, देन कोऑपरेट विथ मेडिकल ड्रग रिसर्च, ये भी इन्हीं का काम होता है, सो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेयरमैन ऑफ P&T कमिटी इज, चेयरमैन ऑफ PTC फार्मेसी एंड थेरेप्यूटिक कमिटी, तो चेयरमैन कौन होता है? फिजिशियन होता है ना, फिजिशियन चेयरमैन होता है, फार्मासिस्ट कौन होता है? तो फार्मासिस्ट सेक्रेटरी होता है, एंड नर्सिंग स्टाफ रिप्रेजेंटेटिव होता है जॉइंट सेक्रेटरी। क्या पूछा है? चेयरमैन, तो फिजिशियन होता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सप्लाई चेन मैनेजमेंट इज द मैनेजमेंट ऑफ द स्टोरेज रॉ मटेरियल्स, फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, फुलफिलमेंट ऑफ ऑर्डर, सेटिस्फैक्शन ऑफ कस्टमर। सप्लाई चेन मैनेजमेंट इज द मैनेजमेंट ऑफ द, तो हमने देखा था ना सप्लाई चेन मैनेजमेंट होता है मैनेजमेंट ऑफ द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंस ऑफ कोल्ड चेन इंक्लूड ऑब्टेनिंग द वैक्सीन्स फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर, मेंटेनिंग द सप्लाई ऑफ वैक्सीन्स, स्टोरिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग द वैक्सीन्स, ऑल ऑफ दीज। इंपॉर्टेंस ऑफ कोल्ड चेन इंक्लूड, तो ये सब हो जाएंगे इंपॉर्टेंस ऑफ कोल्ड चेन, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। स्टोरिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग द वैक्सीन्स, मेंटेनिंग द सप्लाई ऑफ वैक्सीन्स एंड ऑब्टेनिंग द वैक्सीन्स फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज नॉट ए मेंबर ऑफ द PTC? फिजिशियन, फार्मासिस्ट, HR मैनेजर, नर्सिंग स्टाफ, तो नर्सिंग स्टाफ रिप्रेजेंटेटिव, जॉइंट सेक्रेटरी होता है ना, फार्मासिस्ट सेक्रेटरी होता है, फिजिशियन चेयरमैन होता है, इसमें HR मैनेजर नहीं होता, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। HR मैनेजर इज नॉट ए मेंबर ऑफ PTC। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट ATP स्टैंड्स फॉर एक्वायर ट्रैक एंड प्लेटफॉर्म अवेलेबल टू प्रॉमिस, एक्टिव ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल, एक्सेस टू पॉइंट। क्या होता है ATP इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट? तो ये ATP होता है अवेलेबल टू प्रॉमिस, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। जब डिमांड बढ़ेगी तो सप्लायर हमेशा अवेलेबल होना चाहिए टू प्रॉमिस द सप्लाई ऑफ गुड्स, टू मेक द गुड्स अवेलेबल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
The process of quickly obtaining and out of stock medication in an urgent situation is called emergency drug procurement, bulk compounding log, code card, final filter. The process of quickly obtaining and out of stock medication in an urgent situation. तो क्या बोला जाता है इसे? तो emergency drug procurement होता है ना, option A. Next question. Advisory functions of PTC adopt policies which includes evaluation of drugs, selection of drugs, therapeutic use of drugs, all of these. Advisory function of PTC adopts policies which includes. तो advisory functions of PTC adopts evaluation of drugs, selection of drugs and therapeutic use of drugs. Option D हो जाएगा आपका correct answer. Next question. Which one is not a type of drug distribution method? Drug basket method, just-in-time method, unit dose drug distribution method, floor stock method. Not a type of drug distribution method. तो कौन से होते हैं type of drug distribution method? तो इसमें आता है floor stock method. Then next आता है drug basket method. Then आता है individual prescription order method. एंड आता है यूनिट डोज ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर मेथड, ड्रग बास्केट मेथड एंड फ्लोर स्टॉक मेथड. ये चार होते हैं टाइप ऑफ ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन मेथड. क्या दिया है ऑप्शंस में? तो ड्रग बास्केट मेथड ये होता है, जस्ट इन टाइम मेथड ये नहीं आएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. यूनिट डोज ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन मेथड भी होता है एंड फ्लोर स्टॉक मेथड भी होता है. ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चन आपकी सभी अपकमिंग एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं एंड इसमें सभी फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन भी मैंने रखे हैं. सो ये सभी क्वेश्चन आपकी सभी अपकमिंग एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं. ठीक है, ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. थैंक यू.